दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर सेकंड 2021 जैन का पेपर, पेपर हिंदी फर्स्ट एंड हिंदी सेकंड। आसान भाषाओं में चैनल पे आपको शॉर्ट बना था इनका वीडियो, उसे देख लेना। आपका इस बार का सीटेट इस वक्त की भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। शुरू करते क्वेश्चन 106 से। गत शिक्षण अपेक्षाकृत नहीं है, नेगेटिव चूज करना है, नोट डाउन करो। गद्य शिक्षण अपेक्षित नहीं है, तो गद्य में भाषा की बारीकियों को तो हम समझेंगे, कल्पनाशीलता का विकास भी मान सकते हैं, तार्किक शक्ति का भी विकास मान सकते हैं, आप अनुकरण कैसे मानोगे? नेगेटिव नेगेटिव, भाई भाई अनुकरण को हम कदापि नहीं मान सकते, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 है, ओके, आसान क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर इन द सेंस जिनका लैंग्वेज सेकेंड हिंदी है, हिंदी तर भाषाओं की रचना को भी स्थान मिलना चाहिए, वाई, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है? बच्चे को हिंदी तर रचना, देखो कभी भी रचनाकारों के बारे में व्याख्या करके कुछ भी बच्चे को कुछ नहीं होगा, सिंपल सा, रचनाकारों से कभी भी किसी भी चीजों को हम व्याख्या बच्चे का नहीं करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बच्चे हिंदी तर रचनाओं के भाषिक विशेषता से परिचित हो सके, बच्चे हिंदी तर रचनाओं के भाषिक मान भी सकते हैं, बच्चे हिंदी तर भाषाओं में अपनी पकड़ बना, नहीं पकड़ नहीं, बच्चे हिंदी तर भाषाओं में व्याकरण नहीं, ऑप्शन टू के साथ आप जा सकते हो, सिंपल टैग वर्ड्स भी कर सकते थे, रचनाकार पकड़ व्याकरण, ओके, ऑप्शन टू के साथ भी आप जा सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है। और ये लेटेस्ट ऑफलाइन का 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन आपने अगर मेरे साथ, मैं 2011 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन करवाया, अब देखो सेम क्वेश्चन है, अब खाली भाषा से खेलते हैं वो लोग, कॉन्सेप्ट से नहीं खेल पाएंगे। अब देखो उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, बिल्कुल सही। अब देखो कंठस्थ, मैं तो आगे पढ़ना पढ़ूंगा भी नहीं, रचनाकार और प्रसिद्ध रचनाकारों को, ये कोई टैगवर्ड नेगेटिव टैगवर्ड है, दो वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाके देख लेना, 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लोगे। और एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट मेरी तरफ से है, एक बार आप शॉर्ट मैराथन का वीडियो देखना, आधे घंटे के अंदर EBS, 40 मिनट के अंदर हिंदी, एक घंटे के अंदर CDP, मैंने उन्हीं चीज़ों को कढ़ाया जो कि पिछले 10 साल से क्वेश्चंस में आ रहे थे और आते हैं और आते रहेंगे, ओके। 109 लेंगे, इसको लॉजिक से भी कर सकते हो, कोई भास्ट क्वेश्चंस नहीं है, भाषण परिचर्चा संवाद बच्चे की क्षमता का विकास करने में, सिंपल सा, देखो भाषण परिचर्चा संवाद मौखिक चीजों की हो रही है, सिंपल सा, मौखिक अभिव्यक्ति, ना ही लिखित हो रही है, ना कल्पनाशील, ना ही अनुकरण, ये मौखिक की बातें हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे, आसान क्वेश्चन से, गद रचना को पद में रूपांतरित करना और पद को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करेगा, किसमें करेगा भाई, किसमें करता है, चेक करते हैं, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, ठीक है, ओके, सर्वोत्कृष्ट आ गया ना, अत्यधिक चीजों पे भी नहीं जाना, ओके, अभ्यास पे भी नहीं जाना, भाषाई संरचनाओं पे अधिकार, व्याकरण पे भी नहीं जाना है, एकमात्र सर्वोत्कृष्ट एक ही, इस पे नहीं जाना, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीन शॉट ले लो, ओके। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे, 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? अब देखो टैगवर्ड से भी कर लोगे, किसे महत्वपूर्ण देंगे, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साहित्यिक सामग्री मान सकते हैं, व्याकरण और पोस्टर, नोट डाउन करेंगे, व्याकरण तो एक नेगेटिव है, पोस्टर तो एक पॉजिटिव भी है, कि संसाधन भी है, लेकिन हिंदी भाषा के सीखने सिखाने पे हम किस पे बल देंगे, साहित्यिक सामग्री पे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 को लेंगे, आप 6ठी कक्षा के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए किस पद्धति का समर्थन करेंगे, चेक करते हैं, जिसमें बच्चे को बोलने का अवसर मिले, अवसर में फंसना मत, सिर्फ यहाँ पे एक बात हो रही है बोलने की, नहीं फंसना मेरे बच्चे, जिनमें बच्चे को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, आपको लगता है क्या पाठ्य पुस्तक साधन है, मान सकते हैं, लेकिन ना पढ़नी हो यह भी नहीं मान सकते हैं, जिनमें बच्चे परमेश्वर अंत्यक्रिया करते हैं, सबसे बेस्ट टेंशन है, सबसे बेस्ट
जिनमें बच्चे केवल केवल को आगे मुझे पढ़ना भी नहीं है नोट डाउन करेंगे। अब देखो जब बच्चे परमेश्वर इंटरेक्ट होकर एक दूसरे से सीखेंगे भाषा का विकास को नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे, इसका आंसर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके 113 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 113 देखो आसान, मैं इस पर ट्रिक देता हूँ आपको। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए, सिंपल सा, पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए। इन दोनों को टिक लगाओ, इसको हटा दो, सिंपल सा। अब देखो मातृभाषा के साथ हिंदी, भाई अपन लोग तो यूपी के, बिहार के, आप जहाँ के भी हो उनका लैंग्वेज हिंदी हो सकता है, लेकिन ये आप कह नहीं सकते हो कि उनका सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही हो, उड़िया, कन्नड़, आसामीज कुछ भी हो सकता है। इन द सेंस मातृभाषा एंड क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज, बात हो रही थी मातृभाषा और लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे कोई भी चीज़ दे मातृभाषा असमीज, अब जो असमीज के पेपर दे रहे होंगे उनका यहाँ पे असमीज देंगे, यहाँ पे बंगला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मातृभाषा तो उनका आ ही गया, तो लोकल लैंग्वेज कहाँ, क्षेत्रीय भाषा नोट डाउन करेंगे, क्षेत्रीय भाषा नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे, व्याकरण, देखो इससे व्याकरण पढ़ाने का आगमन विधि, अ से आगमन माने अ से आगे उ लिखते, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि व्याकरण विधि कहलाती है, मूर्त से अमूर्त, सिंपल सा। अगर व्याकरण पढ़ाने की बात हो, एक आगमन विधि और संदर्भ से व्याकरण, दो टैग वर्ड को लगा के चले आ जाना, सीटेट आने वाला 10 साल तक इसके अलावा कुछ नहीं कहे, कुछ कर भी नहीं सकते, सिंपल सा, कर भी नहीं सकते, उनके पास कुछ नहीं है, वो भाषा से खेलेंगे कॉन्सेप्ट से नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल इन द सेंस नेगेटिव नहीं है, न केवल इन द सेंस पॉजिटिव है, न केवल सामाजिक संवेदनाओं विकसित करता है, बल्कि डैश को समझने का मदद करता है। चेक करते हैं विभिन्न माध्यमों की जानकारी तो मान सकते हैं, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, बिल्कुल सही, विभिन्न माध्यमों में उपयोग, विभिन्न माध्यमों में आर्थिक स्थिति, स्थिति को नहीं, बिल्कुल गलत, स्थिति नहीं, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करती है विज्ञापन, नोट डाउन करेंगे। विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न माध्यमों से भाषा आप विज्ञापन में देखते हो। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे, 116 कहानी की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चे को डैश में मदद करेगी। आप कहानियों पर आपने विभिन्न शैलियों पर चर्चा किया, किस पे करेंगे, व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है, याद को काट दो, कमियां को काट दो, कहानी रचने, सिंपल सा टैग वर्ड से भी करोगे। दो वीडियो को जाकर देख लेना, नेगेटिव टैग वर्ड CDP के सेशन में आपको मिलेगा, 40 से 50 क्वेश्चन आप टैग वर्ड से कर सकते हो। जी हाँ, टैग वर्ड से कर लोगे, इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेट क्या बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर, डिजिटल क्लास कॉन्टेंट है, शॉर्ट मैराथन का वीडियो, शॉर्ट मैराथन वीडियो जरूर देखना। जिंदगी में आप कभी भी किसी भी चीज, कभी भी आप सीटेट देने से पहले 1 घंटा पहले भी आप देख लो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा शॉर्ट मैराथन वीडियो। देखो दुनिया महा मैराथन बना रही थी और हम शॉर्ट मैराथन बना रहे थे, रीजंस क्या था, उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जिन पे क्वेश्चंस बनती है और क्वेश्चंस बनेगी। सीधी बात, नो बकवास, टैग लाइन में आपको मिल जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। ओके क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे, संदर्भ में व्याकरण, देखो आ गया ना, किस पे बल देगा भैया, संदर्भ में किस पे बल देगा, पाठ के अंत में समस्त व्याकरण बिंदु को स्पष्ट करना, ऐसा नहीं है, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरण बिंदु की परिभाषा को भी नहीं करेंगे, पाठ के अंत में समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाना, समस्त को चीजों को नहीं करेंगे, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, प्रसंगवश इन द सेंस संदर्भ में व्याकरण को आप ले सकते हो, इससे पहले भी मैंने बोला था, और सीटेड इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकती है, प्रसंगवश की जगह कुछ और दे देगी क्रिटिकल हिंदी, तो सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना और चक्कर टिक मार के आना, समझदार हो, समझ सकते हो, बस। इस बार कुछ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए थे, काफी अच्छा करेंगे, 140+ करेंगे। 118 को लेंगे, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चे की डैश पृष्ठभूमि क्या है। तो भैया बच्चे की कभी भी आर्थिक गरीब है कि अमीर है मुझे जानने की जरूरत नहीं है, व्यावसायिक भी जानने की जरूरत नहीं है, आर्थिक भी जानने की जरूरत नहीं है,
टैग वर्ड से जाके बना के ले आओगे। भाषिक व सांस्कृतिक, मुझे पृष्ठभूमि क्या है मैं उसको जानूंगा एज ए टीचर, अकॉर्डिंग टू टीचर। दोस्तों वीडियो अगर आसान भाषाओं में लगी, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलना और कमेंट जरूर करना। अगर समझ में नहीं आता हो तो लाइक क्यों करोगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। ओके, मैं भी आपका एक सहयोगी हूँ, एक दोस्त हूँ, एक ओके 119 लेंगे सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चे को जल संरक्षण पे आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है? देखो अनुपयोगी तो नहीं होगा और मनोरंजक भी नहीं होगा, कृत्रिम भी कहाँ से है भैया। सरकार के द्वारा जारी यह पोस्टर को दिखा रहे हो तो क्या है, प्रमाणिक है? क्या है? प्रमाणिक है। 120 लेंगे कविता शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पे बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनके उत्तर ही एक ही हो, जिनका उत्तर पुस्तक में ही हो, विभिन्न हो यानी कि विभिन्न इन द सेंस मुक्त अंत वाला हो, जिनका आंसर एक से ज्यादा हो और बच्चे के अंदर सृजनात्मक विकास हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग से उसका जवाब दे। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 135 जिनका पेपर सेकंड था 135 ओके 136। दीप्ति ने आठवीं कक्षा के बच्चे को समान भाव वाली कविता क्या करने को कहा? दीप्ति ने आठवीं कक्षा में समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने को कहा। ठीक है, दीप्ति क्या कर रही है, इसका कारण क्या है? बच्चे को समान भाव का अर्थ समझाना नहीं, बच्चे के श्रवण प्रक्रिया का, भाई श्रवण वर्णन नहीं कर रही दीप्ति, बोल रही समान मनोरंजन भी नहीं करवाएंगे। दीप्ति दीप्ति तो स्मार्ट है, शिक्षिका की बात आए ना तो थोड़ा कंसर्स हो जाना, बच्चे के बौद्ध स्तर का आकलन करना। नोट डाउन करेंगे दीप्ति आठवीं कक्षा के बच्चे को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। बच्चे का बौद्धिक क्षमता को देखना चाह रही थी कि बच्चे सेम टू सेम डिट्टो कविता को पहचान पाती है, पहचान पाते हैं या नहीं पाते, या पाती है या नहीं पाते। ओके, आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। बच्चे के व्यक्तित्व व्यवसाय भाषा ने अस्मिता का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। नोट डाउन करेंगे 2005 क्या मानती है? अस्मिता। नोट डाउन करेंगे 138 इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? नोट डाउन करेंगे, अगर इनमें से पूछा जाए सबसे पहले क्या आएगा, सिम्प्ट आएगा। नोट डाउन करेंगे, रॉ लॉ से पहले सिम्प्ट आएगा। नोट डाउन करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस था, डिक्शनरी की बात हो रही थी तो सी मौत तो मौ से रॉ से पहले लॉ से पहले अब सिम्प्ट ई की इकाई पहले आती है डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में। नोट डाउन करेंगे 139 कक्षा 6 में मतलब 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो कविता जब भी पढ़ाओ ना, मैंने जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं पिछले 1.5-2 महीने से, उनके ब्लड में मैंने ये चीज़ डाल दिया है, ब्लड में, माइंड तो छोड़ दो, तो मुझे शब्द से मतलब नहीं है, कविता में भाव होना चाहिए। एक झांसी की रानी उसकी घोड़ा टुक टुक टुक, जी एक भाव लय लयात्मक होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 हो गया, वो 140 क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। भाषा स्वयं एक व्यवस्था है, भाई कैसा व्यवस्था है भाषा, देखते हैं। भाषा स्वयं में सरल तो है नहीं, जटिल तो है नहीं, नियमबद्ध और अंत संबंधित नहीं, सॉरी अंत संबंधित है, क्रमबद्ध नहीं है। नोट डाउन करेंगे, तार्किक नहीं है। देखो भाषा स्वयं में नियमबद्ध व्यवस्था है, क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा क्रमिक नहीं, क्रमिक इन द सेंस भाषा के चार कौशल सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब कोई सुन नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि वो बोल नहीं सकता। नोट डाउन करेंगे, तो क्रमिक तो नहीं हो सकता, हाँ अंत संबंधित है, नियमबद्ध है मान सकते हैं, लेकिन क्रमिक की नहीं मान सकते हैं। नोट डाउन करेंगे 141 को लेंगे, आसान क्वेश्चन है। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ा क्या रहे हो? नाटक और एकांकी, उच्चारण शुद्धता से कोई मतलब नहीं है, नाटक के शास्त्रीय तत्व से मतलब नहीं है। अब जब पढ़ा रहे हो नाटक तो मौन पठन की तो बात हो ही नहीं सकती है। मौन पठन में एक सुनो, मौन पठन में सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण होता है, नोट डाउन करना।
सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण मौन पठन में होगा। और पढ़ने का मतलब, अगर कोई चीज बोले पढ़ने का अर्थ मतलब क्या है, पढ़ने का एक ही मकसद है अर्थ ग्रहण हो और समझ में आए। नोट डाउन करेंगे, अब देखो एकांकी से क्या है, संवाद अदायगी करेंगे, क्या करेंगे संवाद अदायगी, नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना। 142 लेंगे, आसान क्वेश्चन है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे, परी कथा, राजा रानी, पशु पक्षी, रहस्य और रोमांच, जिसमें रहस्य हो, सस्पेंस हो और रोमांच हो, मतलब आनंददायी हो। बस आप सीरियल भी तो ऐसा ही देखते हो, मूवी भी तो ऐसा ही देखते हो, तो बच्चे से कैसा, मतलब आपका टेस्ट कुछ अलग, जो जैसा है बच्चे में भी वैसा ही ढूंढो ना यार, समझ में आ गया होगा। 143 कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी, रुक जाओ भाई, हाँ रुक गया। अब देखो 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से कम प्रभावी नेगेटिव प्रश्न निर्माण इम्पोर्टेंट है, अवलोकन मान सकते हैं, बातचीत को भी मान सकते हैं, श्रुत लेख को हम नहीं मान सकते, सुन के लिखो बेटा, सुन सुन के लिखेगा तो बच्चा क्या करेगा, कॉपी एंड पेस्ट, अनुकरण, ये काफी कम इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे और स्क्रीन शॉट ले लेंगे। 144 भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और शोधपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है। अब भैया भाषा को सिखाओगे भी शोधेश्य, मतलब उद्देश्यपूर्ण को शोधेश्य कह दिया, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए क्या करोगे, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश आपने दे दिया, सबसे व्यापक है पाठ पुस्तक एक संसाधन है, साधन है, कहानी कविता पंक्तियां को देखकर लिखना, कॉपी पेस्ट हम नहीं कराएंगे, नाम टीवी धारावाहिक का नाम, जी सास भी कभी बहू थी, जी इसमें आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, सास भी कभी बहू थी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल आप देंगे, नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं 145, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए, चलिए करते हैं, जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक से जुड़े हैं, या पानी से जुड़े या जूस से जुड़े हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक मत लेना, उनमें से स्वास्थ्य और सफाई पे दिए गए ब्यौरा, मतलब क्या स्वास्थ्य और सफाई पे, छाट कर देखे ये हकीकत, ये प्रश्न क्या है, बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ता है, बिल्कुल सही, जटिल ठंडे पे दुनिया को अत्यधिक महत्व देना, आप जरा पढ़ लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बच्चे की बहुत जटिल है, बच्चे के लिए बहुत ही जटिल है, बच्चे को ठंडे पे पीने की प्रेरणा मोटिवेशन देते हैं, ऐसा कहा है, बच्चे की दुनिया को अत्यधिक महत्व, भैया अत्यधिक एकमात्र, ना ज्यादा प्रेशर दो पेडागोजी में और ना ही इतना नॉर्मल भी लो पेडागोजी को। 145 अच्छा 146 अच्छा ओके कीप साइलेंट 146 उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक अत्यंत, देखो अत्यंत महत्वपूर्ण, चेक करते हैं व्याकरण काट दो, अत्यंत मत, अत्यंत खोजना ना, सिंपल सा, विभिन्न कार्य क्षेत्र में जुड़ी प्रयुक्ति से परिचित, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित मान सकते हैं। देखो हिंदी साहित्यकार, अहिंदी साहित्यकार, इनके बारे में बोल के कुछ होगा नहीं कि दिनकर ने दिवाकर ने क्या लिखा, इससे बच्चे में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, दिनकर दिवाकर क्या जानते हैं, क्या क्या मतलब है, आपने भी पढ़ा होगा, सिंपल सा, हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए संदर्भ में वो अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा दे, अच्छा तो लग सकता है ये, तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, जो बच्चे के सुंदर लेखन के प्रति प्रेरित, सुंदर लेखन खराब राइटिंग इस पर नहीं जाना है, टीचर अकॉर्डिंग टू टीचर, जिनके उत्तर जटिल और दीर्घ हो, कदापि बिल्कुल नहीं, जिनके उत्तर तयशुदा हो, तयशुदा इन द सेंस, सुनो मेरे बच्चे हिंदी दे रहे हो, तयशुदा इन द सेंस फिक्स, फिक्स इन द सेंस फिक्स, ओपन माइंडेड की बात नहीं हो रही है, क्लोज माइंडेड की बात हो रही है, ओके, एक होता है मुक्त अंत वाला, एक बंद अंत वाला, तो बंद अंत की बात है तयशुदा, मतलब फिक्सेबल, फिक्सेबल आंसर को तयशुदा कह सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। 148 वीडियो अच्छा लगा आप तो लाइक कर दो, ना अच्छा लगे तो मत करो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते, अच्छा लगे तो करना, दिल से करना। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, भाई क्या पूछा, कैसा है वो मुरली वाला, गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अरे कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वो पहले खिलौना भी बेचता था, एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कहते ना कैसा है वो मुरली वाला, हे मेरे भगवान, इनमें आप जो उच्चारण करते हो ना, वो उच्चारण नहीं होता, उसे अनुदान कहते हैं, क्या कहते हैं,
अनुत्थान कहते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने वो आ भी चुका था, नोट डाउन करना, ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। क्वेश्चन 149 149 को लेंगे, 49 या 49 जो भी समझो, हिंदी उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति, देखो सृजनात्मकता अगर समझ में नहीं आया ना, इसे खुरापात बना लो, खुरापात माइंडेड, ओके समझ में आ जाएगा। सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा, चेक करते हैं। खान पान के मामले में स्थायीता का क्या अर्थ है, खान पान का बदलाव कौन से फायदे हैं, लेखक खान पान का बदलाव को, देखो लेखक के बारे में ये सब चीज़ें को नहीं करते। अब देखो घर के बात, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवान के बनने की प्रक्रिया बताइए, भैया रियल लाइफ से बच्चा कनेक्ट होगा, जैसे मम्मी से पूछेगा, मम्मी तुम साग कैसे बनाती हो, सब्जी कैसे बनाती हो, मास्टर जी पूछ रहे थे, मैडम जी पूछ रहे थे, तुम बताओ ना, मैडम को बताना है, गरिमा मैम पूछ रही थी, बताओ ना, ऐसे करेंगे बच्चे, नोट डाउन करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित में, देखो बड़े बच्चे जो पुराने होंगे तो उनके खून में होगा, नए बच्चे का तो दिमाग में होगा, सिंपल सा। भाषा सीखने और अर्जित में दो ही अंतर होता है, अर्जित बच्चा जन्म से पहले सीखता है अपने परिवार से, आस पड़ोस से, स्कूल जाने से पहले, पेंसिल पकड़ने से पहले, किताब पढ़ने से पहले बच्चा अर्जित करता है, उसे कहते हैं भाषा अर्जन, जो कि स्वाभाविक और सरल है, इजी गोइंग है, लेकिन सीखना प्रयासपूर्ण है, बच्चा अधिगम को स्कूल में जाकर सीखता है भाषा को, नोट डाउन करेंगे। तो दोनों में अंतर किस चीज का है, भाषा की जटिलता सौंदर्य भाषा के परिवेश का है, यहाँ पे इसे इजी परिवेश में वो सीख गया था, नोट डाउन करेंगे, भाषा की प्रकृति से भी मतलब नहीं है। अब बताओ तुम्हारे लिए अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज होगा, एक बच्चा को पैदा होते ही उसे अंग्रेजी माहौल में रख दो जाके, क्या बोलेगा वो, अंग्रेजी बोलेगा, भाषा एक भाषा का जो परिवेश है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट ये सब मत देखो, देखना है तो शॉर्ट मैराथन वीडियो देखो, टाइम नहीं है, सिंपल सा सीधी बात, नो बकवास, शॉर्ट मैराथन का वीडियो 2 से 2.5 घंटा लगाओ, ऑल सब्जेक्ट क्लियर, और प्रीवियस ईयर का पेपर को मारो, इस बार का सी टेट स्मूथ लिटरी की बेसिकल तरीके से, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे मक्खन के तरीके से, सी टेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करे सी टेट राजा, जय हिंद जय भारत।